बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुअज़्ज़ज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ बिशर उस्मान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हदीस डायरी। मेरी मुअज़्ज़ज़ बहनों और भाइयों, अगर आप बेरोज़गार हैं और अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन और मुजर्रब वजीफ़ा बताऊँगी जिससे इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नौकरी मिल जाएगी। जिस शख्स को रोज़गार की तलाश हो और उसकी कोई सूरत नज़र ना आ रही हो, या जिन लोगों के लिए नेक और हलाल का रोज़गार नहीं है और वो रोज़गारी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी या मुलाजमत नहीं मिल रही, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला इस अमल के करने से बहुत जल्द आपको एक अच्छी नौकरी या मुलाजमत मिल जाएगी। चलिए जी, वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हसूल नौकरी के लिए वजीफ़ा। आपने अल्लाह ताला के एक नाम का विर्द करना है। वजीफ़ा करने का तरीका अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें। आपने दिन में किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। अल्लाह का ये नाम क्या है और इसको पढ़ना कैसे है, ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बासितु, आपने अल्लाह के इस नाम को 313 दफ़ा अवलो आखिर या बा दुरूद शरीफ के साथ इन कलिमात को पढ़ना है। यानी पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर अल्लाह ताला का नाम या बासितु पढ़ना है 313 दफ़ा, आखिर में फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और याद रखिए कि जब आपने ये वजीफ़ा करना है तो पूरी तवज्जो यकीन के साथ करना है। वजीफ़ा करने के दौरान अपने कारोबार, अपनी नौकरी या मुलाजमत को अपने जहन में रखना है और अल्लाह ताला से खसूसी दुआ करनी है। जो भी आपकी परेशानी है नौकरी को लेकर या मुलाजमत को लेकर या कारोबार को लेकर, अल्लाह ताला से इसके बारे में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। जो लोग भी इस अमल को करेंगे वो नमाज की पाबंदी लाजिम करें, क्योंकि हर वजीफे का ताल्लुक नमाज से है। नमाज लाजिम पढ़ें, जो हम पर फ़र्ज है। अगर हम अल्लाह के काम नहीं करेंगे, अल्लाह के अहकाम की पैरवी नहीं करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद नहीं फरमाएगा। इस वजीफ़े को ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर ज़रूर मेहरबान होगा, आपकी हर दुआओं को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। बेशक अल्लाह पाक हर दुआ को सुनता है और हर वो चीज़ जो आपको अता करता है वो आपके हक में बेहतर होती है। यकीन के साथ ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ग़ैब से मदद फरमाएंगे, आपकी हर दुआ कबूल फरमाएंगे। आखिर में सबसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।